हेलो दोस्तों, प्रश्नावली है 3.3 जिसमें हम लोग जानेंगे दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस का 3y बराबर में 11 और 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। लेकिन इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया है कि हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है कि विलोपन विधि से हल करना है, तो हम इसे करेंगे आसान सी विधि रहेगी जो विलोपन विधि। ये हमने क्वेश्चन में जो समीकरण दिया हुआ था वह लिख लिया है, तो इसे समीकरण दे देते हैं नाम फर्स्ट, इसे दे देते हैं समीकरण सेकंड। तो इसमें दिया हुआ है 2x और दूसरे समीकरण में भी दिया है 2x, तो ये तो पहले से ही बराबर है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम दोनों समीकरणों को बराबर कर लेते हैं, चाहे फिर x वाले को बराबर कर लेते हैं या y वाले को बराबर करते हैं। तो इसमें तो पहले से ही दिया हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 2x है और यहाँ भी 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह के लिए हम जोड़ते हैं, और अगर समान चिन्ह रहते हैं तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और प्लस अब ये वाला चिन्ह नहीं देखना है हमें, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y, चिन्ह आएगा माइनस का। अब यहाँ पर इसमें प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसको भी जोड़ देते हैं तो बराबर में लिखेंगे 35 माइनस का 35, तो y बराबर में आ जाएगा माइनस का 35। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए माइनस ये है और माइनस का ये, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो अब हमें यहाँ पर चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। y बराबर में 35/7, 7 जो यहाँ पर गुणे के रूप में लिखा था तो वह बटे के रूप में आ गया। 7 से 35 को काट देते हैं तो y बराबर में आ जाएगा 7×5=35, तो y बराबर में मान आ गया है 5। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसी प्रकार लिखेंगे माइनस का साइन, 4 गुणे हो जाएगा 5, y बराबर हमने 5 रखे हैं, इसी प्रकार देखिए माइनस का 24 लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 20 बराबर में, और ये माइनस का 24 इसी प्रकार लिखा, 2x को भी इसी प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ पर 2x इसी प्रकार लिखा, ये माइनस का है, इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 20। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, और बराबर में 2x ये लिखा। अब x बराबर में लिखेंगे माइनस का 4, ये जो गुणे के रूप में लिखा हुआ था 2, तो ये बटे में आ जाएगा 2, 2 से 4 को काट देंगे तो माइनस का आ जाएगा 2, तो x बराबर में कितना आ गया है, x बराबर में आया है माइनस का 2। तो x का मान निकाल लिया है हमने, y का मान निकाल लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था तो y लिख लेते हैं, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो y बराबर देखिए हमने निकाला है प्लस का 5, तो y बराबर प्लस का 5 बराबर में m का मान हमने नहीं निकाला है, तो m इसी प्रकार लिखेंगे। x का मान हमने निकाल लिया है, माइनस का 2 आया है, प्लस 3 इसी प्रकार लिखा। अब क्या करेंगे, बराबर में m इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2m, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 2m, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 है और ये अचर पद है, और साथ ही साथ ये भी 5 जो है अचर पद है, तो 5 को हमने इसी प्रकार लिखा कि ये जो प्लस का 3 है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 5 के बगल में, तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर की सेट आ गया है तो ये माइनस का हो गया है 3। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 2 बराबर में माइनस का 2m, तो m बराबर में लेंगे हम 2, ये इसके गुणे के रूप में लिखा हुआ था तो ये बटे में आ जाएगा माइनस का 2, और ये बराबर का साइन हमने इसी प्रकार लगाया, 2 से 2 काट दिया तो माइनस का आ गया 1, तो m बराबर में आ गया माइनस का 1। तो हमने m का मान निकाल लिया है और x का मान निकाल लिया है और y का मान निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा आंसर।